जाए। अब गीता को हिंदुओं का ग्रंथ है इसलिए वो सांप्रदायिक है कह करके निकाल दोगे। और मजे की बात आपको बताऊं, ब्रिटेन के कुछ हाई स्कूल्स में संस्कृत सिखाया जाता है, गीता पढ़ाई जाती है। इंग्लैंड में और हमारे यहां निकाल दिया गया। क्यों? वी आर ए सेकुलर स्टेट, हम एक बिन सांप्रदायिक कंट्री। सेकुलरिज्म की इतनी विकृत व्याख्या हुई है, धर्म को जैसे बिल्कुल निकाल दिया गया। हमारे यहां सेकुलरिज्म का मतलब धर्म रहित शासन व्यवस्था ऐसा नहीं है जिसमें सर्वधर्म समभाव हो, ऐसी शासन व्यवस्था। सरकार में, शासन में सर्वधर्म समभाव की बात हो और प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव की बात हो। प्रजा में सर्वधर्म समभाव नहीं हो सकता लेकिन सद्भाव हो सकता। एक हिंदू को अपने धर्म के प्रति जैसा भाव है वैसा अन्य के प्रति नहीं हो सकता, समान भाव नहीं हो सकता लेकिन सद्भाव हो सकता। एक मुसलमान अपने धर्म के प्रति अनन्य भाव से समर्पित होगा, स्वाभाविक है, उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के प्रति आस्था दूसरे धर्म के प्रति अनादर में बदल जाए तो वो आस्था में भी विकृति है। मैं सबकी मां का आदर करूंगा लेकिन अपनी मां की पूजा करूंगा, सीधी बात है। लेकिन मैं अपनी मां की पूजा करता हूं इसका मतलब औरों की माता का अनादर करना ये नहीं है। यदि मैं औरों की माता का अनादर करता हूं, अपमान करता हूं, तो मेरी मां को गाली पड़ेगी क्योंकि मेरी मां ने मुझे सही संस्कार नहीं दिया। बस इसी तरह मैं दूसरे धर्मों का अनादर करता हूं तो मैं अपने धर्म को गाली दे रहा हूं क्योंकि मेरे धर्म ने मुझे ठीक शिक्षा नहीं दी। एक चोर चोरी करता है या बलात्कार करता है और पकड़ा जाता है और कैद खाने में उसको डाल देते हैं तो उसकी मां की नाक कट जाती है, उसकी मां को समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है कि इस मां ने ऐसा बेटा जना। तो जो दूसरे के धर्मों का अनादर करते हैं वो अपने ही धर्म को गाली दे रहे। क्या तुम्हारे धर्म ने तुमको यही सिखाया? वो धर्म लज्जित होता है, वो धर्म शर्मिंदगी से भर जाता है, चाहे कोई भी हो। तो अपने अपने धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखो, अनन्य भाव रखो, लेकिन सभी धर्मों का आदर करो। मेरे कई मौलवी मित्र हैं, हम बैठते हैं आपस में चर्चा करते हैं, बड़ी अच्छी चर्चाएं होती है, बड़े प्यारे लोग होते हैं। लोग धर्म के नाम से बहक जाते हैं और कई लोग धर्म के नाम पर बहकाते भी हैं अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए। धर्म बहकने के लिए नहीं है, धर्म महकने के लिए है। जो तुम्हें महकावे वह धर्म है। धर्म से बहकना थोड़ी होता है, तुम्हें बेहोश कर दे वह धर्म नहीं है, तुम्हें सचमुच होश में ला दे वह धर्म है। बेहोश करने वाला धर्म तो एक नशा, इसलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम का नशा बताया। ये बेहोश करने वाला धर्म है। अरे बेहोश तो हमने किया है मोह ने, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने। धर्म वो होश में ला दे, हमें जागृत करे।
तो प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव हो, राजा में सर्वधर्म, जो सरकार है सेक्युलर सरकार है तो सर्वधर्म समभाव हो, लेकिन धर्म रहित शासन व्यवस्था ऐसा